जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संकट के समय भगवान हनुमान को याद कर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, जिन्हें संकट से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। आप में से कई लोगों ने इस पवित्र हिंदू धार्मिक पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा, जो कई भाषाओं और कई शैलियों में उपलब्ध है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ओडिशा के गंजम जिले के एक कलाकार ने भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति और अपनी कल्पना को एक नए रूप में प्रदर्शित किया है। उन्होंने लकड़ी पर हनुमान चालीसा पुस्तक लिखी है। उनके हाथ के स्पर्श से पुस्तक के शब्द जीवंत हो गए हैं। ये अनूठी पुस्तक न केवल देखने में बेहद आकर्षक है, बल्कि कलात्मक दृष्टिकोण से भी एक प्रशंसनीय प्रयास है। लकड़ी पर इस पुस्तक के रचयिता प्रतिभाशाली युवा कलाकार अरुण साहू हैं, जो ओडिशा के गंजम जिले के हिंजुली कट के कांटे कोली गांव से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने वर्तमान लॉकडाउन अवधि के दौरान खाली समय का सदुपयोग करने और ऐसी पुस्तक का निर्माण करने का मन बना लिया था। हनुमान चालीसा पाठ करू मन भीतर गोटे आईडिया आसला कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं कुछ अलग बनाऊं। मैंने इसे लकड़ी पर उकेरने के बारे में सोचा। मुझे ये सोचने में 3 से 5 दिन लग गए कि इस लकड़ी के शिल्प को कैसे आकार दिया जाए जो एक किताब की तरह दिखाई दे। मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे और चौपाई को लकड़ी से बनी इस पुस्तक पर उकेरा गया है। लकड़ी, छेनी और ब्लेड का उपयोग करके उन्होंने ये किताब तैयार की है, जिसमें कुल 5 पेज और 2 कवर पेज हैं। भगवान हनुमान की छवि को सुंदर तरीके से दोनों मुखपृष्ठों पर चित्रित किया गया है। लकड़ी से बनी इस हनुमान चालीसा पुस्तक की लंबाई 10.5 इंच है, जबकि इसकी चौड़ाई 9 इंच है। ये 2.5 इंच मोटी है। अरुण को इस किताब को हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में बनाने में करीब 1 महीने का समय लगा। लकड़ी के पन्नों के साथ ही किताब के कवर पेजों को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। अरुण की इच्छा है कि 2 भाषाओं में लिखी गई हनुमान चालीसा पुस्तक के इन दोनों सेट में से उड़िया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को और हिंदी वाली देश के प्रधानमंत्री को भेंट करें। हनुमान चालीसा बुक रो कोनी प्रिंट कंप्यूटर द्वारा किमती लेटर जक समान रहइबो ताकु अक्षरों के उचित आकार को बनाए रखने के लिए अक्षरों को DTP में मुद्रित किया गया था और तदनुसार काट दिया गया था। 5 पृष्ठ हैं, सामने के कवर और पिछले कवर को मिला दें तो 7 पृष्ठ हैं। केवल हनुमान चालीसा पुस्तक ही नहीं, बल्कि अरुण छेनी से लकड़ी को उकेर कर कलात्मक कृतियों का निर्माण भी करते हैं। उनकी कृतियों में लकड़ी का ताजमहल, फ्रांस का एफिल टावर, ओडिशा विधानसभा भवन शामिल हैं। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल धौली, इंडिया गेट, ओडिशा का नक्शा और कई अन्य सटीक चित्र सभी लकड़ी से बने हैं। वो अपने अद्वितीय कलात्मक कार्य के लिए हर तरफ से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें अपने कार्यों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इतने पुरस्कार मिले हैं कि उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार बेहद गौरवान्वित महसूस करता है। उसने ताजमहल, इंडिया गेट जैसी कई अन्य कलाकृतियां बनाई हैं। अपने इस कलात्मक कौशल के लिए उसे लोगों से बहुत तारीफ मिली है। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने लकड़ी पर हनुमान चालीसा को उकेरा है। अरुण की महत्वाकांक्षा लकड़ी से बनी हनुमान चालीसा किताब को देश की हर भाषा में बनाने की है। उन्हें उम्मीद है कि इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी। आगो को मोरो लक्ष्य अछि कि
मैं विभिन्न भारतीय भाषाओं में लकड़ी में हनुमान चालीसा तराशना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि विभिन्न कलाकारों के दुर्लभ कलात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा। ऐसा छुपा खजाना विश्व प्रसिद्ध होगा। आगे एक प्रशिक्षण केंद्र होगा, छात्रों को वहाँ प्रशिक्षित किया जा सके और मैं नवोदित प्रतिभा को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी सेवा की पेशकश करूंगा। खोला जाता तो यहाँ बहुत पिला उपकृत होता मुझे ट्रेनिंग देखी से शिखी था। इस युवा कलाकार द्वारा लकड़ी पर कलात्मक प्रस्तुति वास्तव में प्रशंसनीय है। अगर उन्हें अपेक्षित सहयोग और संरक्षण प्राप्त होता है तो वो निश्चित रूप से अपनी कला के काम को आगे बढ़ाएंगे। अन्य उत्साही युवा लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने और कई और कलाकारों को बनाने के अलावा वो ओडिशा का नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।